सभी भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आज की वीडियो हिंदी में, जो भाई कहते हैं हिंदी में डाला करो। जो आपने कबूतर बाजियों में डालने हैं, पहले उसके पंख खींचने हैं। आपने करना क्या है, जो कबूतर आपके जिसके पंख नए आए हैं उनके नहीं खींचने, जिसके पहले पंख आए हुए हैं जो खींचने वाले हैं उनके खींचना है पंख। आपने पहले कबूतरों के 10-10 पंख खींचने हैं ऊपर वाले, जैसे पहली कली स्टार्ट होती है दोनों तरफ से, फिर जब वो आ जाएँ तो नीचे वाले खींचने हैं, ठीक है जी। उससे पहले क्या करना है, आपने 5 दिन लगातार कबूतर खींचने से पहले लिप 52 का या कोई भी सिरप है पीने वाला लीवर का, उसका डालना है। उसके बाद आपने कीड़े वाली दवाई देकर कबूतरों को धूप में छोड़ना है। 1 दिन पहले कबूतरों को कुछ नहीं देना, जब कीड़े वाला दवाई देना है। उसके बाद आपने दवाई दे के 5-6 घंटे कबूतरों को कुछ नहीं देना खाने के लिए। उसके बाद देना है आपने 5-6 घंटे के बाद खाने के लिए, जो देना है लगातार कबूतरों को, जो आपने देना है खाने के लिए वो दाना देना है। गेहूं देना है आपने 20 केजी, सरसों लेनी है आपने 6 केजी, 2 केजी आपने लेनी है मूंग दाल। ये मिक्स दाना डालना है जब तक कबूतरों के फर ना जाएं। और कबूतरों को जब फर आ जाएं धूप लगाना है 10 दिन। उसके बाद आपने कबूतरों को छोड़ना शुरू करना है। जब कबूतर 4-5 घंटे उड़ने लग जाएं, फिर उनको बादाम डालने शुरू करें भाइयों। फिर आपके कबूतर अच्छी तरह से बनेंगे और उनका उड़ान बढ़ेगा, ठीक है भाई। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। जब कबूतर प्रॉपर अच्छी तरह से उड़ने लग जाएंगे आपके, ठीक है भाइयों। पहले कबूतरों को आपने दोपहर में जैसे 10 बजे या 11 बजे उड़ा दिया, उनको 3-4 घंटे उड़ें, फिर बैठ जाएं, ऐसे लगातार उड़ाएं 10 दिन। जब वो अच्छी तरह से उड़ने लग जाएं, फिर उनको 1 दिन का वक्फा लेकर, जैसे 1 दिन छोड़ना है 1 दिन नहीं छोड़ना, फिर उनको सुबह छोड़ें 6 बजे या 7 बजे, फिर उनको 2-3 बजे तक उड़ाएँ और अच्छी खुराक डालें कबूतरों को, साफ़ सुथरा दाना डालें और उनकी संभाल करें, ठीक है भाइयों। आगे भी वीडियो डालेंगे। ये आप सभी को वीडियो बढ़िया लगा तो इसको शेयर करना। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद, थैंक यू जी।